और इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान में बहुत बड़ा मजाक चल रहा है, इसकी एक और बानगी नजर आई। पाकिस्तान में संविधान के साथ बहुत बड़ा मजाक, इमरान और विपक्ष की लड़ाई में संविधान से खिलवाड़ हो रहा है। विपक्ष ने अपनी कार्यवाही कर अपना नेता चुन लिया, शहबाज शरीफ को विपक्ष ने अपना नेता चुन लिया, बकायदा अपना नेता चुनने की जो कार्यवाही है वो विपक्ष ने संसद चलाकर की, जबकि संसद स्पीकर की तरफ से भंग कर दी गई थी, अविश्वास प्रस्ताव को गिरा दिया था, खारिज कर दिया था स्पीकर ने। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इस बात पर कायम कि उनके पास 197 सांसद हैं और इसी को आधार बनाते हुए विपक्षी नेताओं ने संसद पर कब्जा किया और उसके बाद शाकिर अब्बास न्यू न्यूज संवाददाता इस वक्त सीधे पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्बास साहब, पाकिस्तान में आखिर ये क्या पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, कब ये खत्म होगा? देखिए, बड़ी नाखुशगवार सूरत हाल है पॉलिटिकली इस वक्त पाकिस्तान में, क्योंकि ज़ियाउर रहमान खान के खिलाफ तहरीक एतमाद पर आज वोटिंग होनी थी, जो हमारा नेशनल असेंबली कौमी असेंबली है उसमें, और जब वोटिंग के अमल के लिए आज इजलास शुरू हुआ तो डेप्टी स्पीकर इजलास को चेयर कर रहे थे कासिम सूरी, उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर जो हमारे वजीर कानून है और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी है फवाद चौधरी, उनको माइक दिया जब उन्होंने एक तकरीर की 2-3 मिनट की, और उसके बाद डिप्टी स्पीकर ने एक रूलिंग दी जिसमें उन्होंने कहा कि जो तहरीक एतमाद जो नो कॉन्फिडेंट मोशन है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ, वो जो है वो मुल्क की सलामती और के खिलाफ है, और इंटरनेशनल जो कुव्वतें हैं, जो पावर्स हैं, उनकी ईमा पर ये किया जा रहा है, इसलिए मैं इसको रिजेक्ट करता हूं। और उन्होंने रोलिंग दी कि ये जो नो कॉन्फिडेंट मोशन है इस पर वोटिंग नहीं हो सकती, ये खिलाफ कानून है, उन्होंने आइन के आर्टिकल 5 का हवाला देकर इसे रिजेक्ट किया और इजलास को जो गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी कर चले गए। उसके बाद इस सारी सूरत हाल में जो अपोजिशन पूरी तैयारी के साथ आई थी कि आज नो कॉन्फिडेंस पर वोट देंगे, 172 यहाँ कौमी असम्बली में मेंबर्स चाहिए होते हैं, लेकिन अपोजिशन के पास आज उससे भी ज्यादा वोट्स लेकर वो आए थे और ये उम्मीद थे कि आज वो जो है वो वोट आउट कर देंगे इमरान खान को, उसके बाद एक नया प्रोसेस, नया लीडर ऑफ द हाउस, नए प्राइम मिनिस्टर का फैसला होगा। लेकिन जो डेप्टी स्पीकर हैं उन्होंने जो बाजी ही पलट दी अपोजिशन की, और क्योंकि इमरान खान काफी कॉन्फिडेंस नजर आ रहे थे कुछ दिनों से, गुजरात रात भी उन्होंने एक तकरीर की, उसमें भी कहा कि मैं बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा, उनका सरप्राइज ये था कि उन्होंने इस जो स्पीकर को पाकिस्तान के पार्लियामानी कानून में जो कवायद में एक लामहदूद इख्तियारात हासिल है और उनकी रोलिंग को, लेकिन इस सरप्राइज को लेकर तो विपक्ष कह रहा है कि सीधे तौर पर संविधान पर, आईन पर हमला है। जी बिल्कुल, उन्होंने ये कहा कि ये जो है वो जो उसकी तहरीक एतमाद है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है अपोजिशन की, ये मुल्क के खिलाफ साजिश है, और ये जो है इंटरनेशनल पावर्स और कुव्वतें हैं जिनके इमा पर और जिनके कहने पर अपोजिशन कर रही है, इसलिए इसको मैं जो है अलाउ नहीं कर सकता। अब स्पीकर के पास जो इख्तियारात है उसमें सिर्फ अपोजिशन वहां प्रोटेस्ट कर सकती थी, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। तो शाकिर अब्बास साहब, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे लगातार हम इसको लेकर सूरत हाल पर बात करते रहेंगे।